चिट्ठियों वाले जमील भाई की आवाज दिख रही है, क्या ठहरे तो पूरा तमाशा कर देते हो चौरस्ते पे। नूर भाई, जब से नूर भाई बोल के पुकार हम सुन के भी अंजान मार दे रहेगा नूर भाई। अच्छा तुम है? हाँ भाई। क्या हुआ रे, ऐसा पुकारा चौरसे पर ठहर के नूर भाई बोल के? क्या मैं तेरा खर्चा बाकी हूँ? चार लोग सुने से वाले क्या समझेंगे? अरे सॉरी भाई। कोई बात नहीं मियाँ, खैर फरमाइए क्या मसला है। नूर भाई, मेरे को कम बजट में एक अच्छा घर होना था। मैं आपके बारे में बहुत सुना था कि आप अच्छे से अच्छे लोगों को बुरे से बुरा घर दिला दिए बोल के। हाँ फिर? हाँ। अरे वैसा नहीं भाई, आप बुरे से बुरे लोगों को अच्छे से अच्छा घर दिला दिए बोल के। बिल्कुल सही समाज फरमाए आप। बताइए क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम। क्या टाइम हो रहा है? ये टाइम है आने का? 12 बज रहे। अरे नहीं भाई, जरा सो गए था। जरा ये जरा जरा सोने की चक्कर में एक दिन पूरे कुछ हो जाएगा तू। अरे ऐसा बोल दे रहे क्या उस्ताद? भाई मेरे घर का नूर भाई के पास आ गए ना, तुम फिक्र रखो करो, मैं तुम्हारा काम पक्का कर देता हूँ। पहले मेरे को आप ये बताइए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा घर होना आप? भाई एक 200 गज भी रहा तो चलता, मेन रोड का रहना, 3 बेडरूम, हॉल, किचन, हमाम, बाथरूम, एक छोटा आंगन रहा तो और अच्छा रहता। अरे भाई अपने रेडिल्स के फैयाज भाई का घर है ना, सेम भाई जैसा वो रे, पूरा वैसी छे वो, बता देंगे क्या? अब अगर मुंह खोला तो तेरे नाक में छालिया घुसा देता हूँ, फिर बकरे के घर का कलेटे फिरेगा। मैं बात कर रहा हूँ ना, पांक। 3 बेडरूम, हॉल, हमाम, बाथरूम, किचन प्लस आंगन दिला देंगे, मसला नहीं है, बहुत घर है अपने हाथ पे, एक से एक घर है, दिला देंगे, आपका काम हो गया समझो। अच्छा मेरे को आप पहले ये बोलिए कि आपका बजट क्या है। भाई एक 20 लाख तक भी रहा तो चलता भाई। 20 लाख? 20 लाख रुपए में मेन रोड पे पैखाना नहीं आ रहा, तुम्हारा पूरा घर हो ना। नशा आशा कर लेके क्या रे भाई, इधर बता, पूछूंगा जरा। अरे क्या भाई ऐसा बोल दे रहेगा, घर हो ना मेरे को, मेन रोड पे नहीं तो नहीं, बस्ती में भी रहा तो चलता, जरा दिला दो नूर भाई, इतनी आस ले लेके आपके पास। अब तो तुम्हारा काम करना ही पड़ता मियाँ, एक घर है। हाँ 17 अगस्त पे 2 बेडरूम हॉल बने हुआ है। अरे 17 अगस्त पे ऐसा कैसा रहता भाई? वो सब तुम्हारा क्या करना है, चलता। अरे नहीं भाई बहुत ज्यादा छोटा हुआ था वो। तुम्हारा अमाउंट कौन सा बड़ा है बोल के? थोड़ा अमाउंट बढ़ा तुम नूर भाई, अच्छा घर दिला दो ना नूर भाई। पैसा बोलते हो फिर मुबारक, आपका काम हो गया समझो, नंबर दे दो। बोलिए साहब नंबर। 9982572। दो दिन में आपका काम हो जाता, जरा छानबीन करके छाट के आपके हिसाब का निकालना पड़ता। जब तक एक काम करो, एक 5000 रुपए बयाना एज एन एडवांस दे दीजिए। निकालो। हाँ 5000 कम हो गए क्या? वो ज्यादा है भाई, नंबर डिलीट कर दे। अरे भाई चल जा भाई। अरे मियाँ क्या मजाक है, 5000 कुछ अम्मा बोल दिया तुम, घर दिलाए बात क्या देते ही क्या नहीं की, दुनिया के खर्चे रहते बाबा, होटला, चाय, समोसे, पाना, पख मीटिंगा, फिर इसका अलग, इसको हर थोड़ी देर को दवा डालते रहना पड़ता। नूर भाई भूख लग रही जी, कुछ भी खाएंगे ना? देखे क्या है क्या नहीं, जल्दी बोलो मियाँ, अगर मंजूर है तो 5000 रुपये एडवांस दे दो, काम स्टार्ट हो जाता, या नहीं तो यहाँ ठहर के मेरा वक्त खराब ना करो, नहीं तो एडिशनल चार्जेस लगा के तुम्हारे पूरे जेवा झड़ती कर लेता हूँ। ठीक है अच्छी बात है नूर भाई। नंबर उधर, कैश इधर, दो दिन का टाइम दीजिए, दो दिन में आपका काम हुआ था, चलिए अस्सलाम वालेकुम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है मेरी आखा, बिस्मिल्लाह तो हो गई। देखे नूर भाई मैं तुम्हारे यहां से कितना लगी हूँ, मैं ऐसा आते कि तुम्हारे पास पैसे ऐसा आ गए। वाह क्या हुआ जी, तू लक्की नहीं तू काली मक्खी है, एक तो देर से आया था, ऊपर से मेरे पैसों को ऐसा देख रहा जैसा कुत्ता छिछड़ों को देखता, तरसी हुई निगाहों से। ये तेरी बदनीयती की तरफ से कारोबार में से पूरी बरकत खत्म हो जा रही, लौंडे समझा ना। जमील भाई मैं आपके पास ही आने वाला था। मेरे को मालूम था इसलिए मैं चाह गया, ऐसी टाइम टू टाइम छुट्टी के पैसे दे दिए तो अच्छा रहता, नहीं तो फिर मालूम ना। ले रहे इनका कैसा करना मेरे को मालूम, मीडिया फाइल जोन के रियाज भाई से बात करना पड़ेगा मेरे को। इसको बोलते थे नूर भाई हाथ को आया मुंह ना लगा। राउंडे ये लीजिए नूर भाई,
ये क्या है? परसों पीछे गली में फ्लैट भी का नहीं, उसका अमाउंट है। यशु भाई भी जाए? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बोलो यशु भाई को, सलाम बोलो मेरा। जी हाँ। चलिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। देखा मियाँ, इसको बोलते जैसी नीयत वैसी बरकत। चाय पिलाता तेरे को, चल। थोड़े बिस्किट भी खा लेता ना भाई। चाय कैन चल, रखो चाय पी लेंगे। चलो चाय दो मियाँ, पूरों को नूर भाई की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम मियाँ, वालेकुम सलाम। चाय दियो पूरों को। क्या बात है, बहुत खुश दिख रहे। किसकी फिटिंग करके आए क्या? जैसा कुत्ते को भी हजम नहीं होता ना, वैसी तेरे को इज्जत हजम नहीं होती। सांप साइकिल चला सकता, गधे के सर पे सिंगा आ सकते, कुत्ते की तुम सीधी हो सकती, लेकिन तू कभी नहीं सुधर सकता लौंडे। अरे छोड़ो साथ, आखिर कब तक तू मैं करते रहते इसके साथ? कहीं तो भी सेट करा दो बेचारे को, दुआ तो भी लगती। अरे मियाँ दुआ के वास्ते तो हम यहाँ बैठे हुए, दुआ के वास्ते तो बैठे हुए, लेकिन ये लौंडा सुधरना ना। और इसके वास्ते तो मैं बहुत बड़े बड़े चीज सोच के रखा था, बहुत बड़ा आदमी बनाने वाला था इसको मैं। बड़ा आदमी मेरे को? भाई भाई क्या बनाने वाले थे तुम मेरे को? चांदी मियाँ छोड़ते से नहीं होता, चाहिए दियो यार। अरे भाई बोलो ना भाई, सॉरी भाई सॉरी, बोलो ना भाई क्या बनाने वाले थे? माफ कर दो बच्चे को, बना दो अब क्या बनाने वाले थे? बच्चा अरे वो खतगड़े, तू कौन सा बड़ा है रे? बालिश भर का रे के बड़े बड़े वाता कर रहा। अरे इधर उधर से मेरे ऊपर कई को आ रहे भाई, चाय दियो आ रो नूर भाई को, मेरी वाली स्पेशल। भाई भाई बोलो ना भाई क्या बनाने वाले थे तुम मेरे को? अरे मियाँ मैं तेरे को बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने वाला था। वाओ, हाँ? मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे को? पूरे कॉम्प्लेक्स पे तेरा कब्जा। पूरे कॉम्प्लेक्स पे मेरा कब्जा? वो कॉम्प्लेक्स में 10 से 15 कैबिना तेरे अंडर में रहेंगे। मेरे अंडर? तेरे से बगैर पूछे ना कोई आएगा, ना कोई बगैर पूछे जाएगा। वाह, वो कॉम्प्लेक्स में तेरी इतनी इज्जत रहेंगी कि तेरे से पूछे बगैर ना कोई पेशाब पूछेगा ना पैखाने पूछेगा। वाह, वो कॉम्प्लेक्स कहाँ रहेगा मालूम? कहाँ रहेगा भाई? वो भी माशअप टैंक के चौरस्ते पे। माशअप टैंक के चौरस्ते पे? भाई एक आध आपके छोटे भाई के हाथ से भी देखना था भाई पोजीशन वो कॉम्प्लेक्स में। दिला देंगे मैं, उसमें क्या है। एक काम करो। हाँ भाई। तुम वो कंपनी के क्लीनिंग मैनेजर हाथ से। सही भी भाई, क्लीनिंग कंपनी मैनेजर बोले तो आखिरी बड़ी पोस्ट रहती वो बड़ी कंपनी में। शुक्रिया नूर भाई। कोई बात नहीं मियाँ। नूर भाई वो कंपनी में अपने को भी सेट करा दो ना नूर भाई, चाय का कारोबार डाल लेता हूँ वो कॉम्प्लेक्स में। अरे मियाँ वो कॉम्प्लेक्स में कोई भी चाय नहीं पीते, चाय पीने के बाद वो कॉम्प्लेक्स में जाते। भाई कौन सी तो भी कंपनी है, कौन सा तो भी कॉम्प्लेक्स है? सुलाब कॉम्प्लेक्स। हाँ, शौचालय, सार्वजनिक मूत्रालय। वाह अच्छा, मैंने लिया वो पोस्ट कंपनी में। तू चाय पिला बोल के बच गया, नहीं तो तेरे हाइट के हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स का क्लीनिंग मैनेजर तू रहता था। ये बहुत गलत हरकत कर दिया नूर भाई, तुम देख लेता हूँ तुम्हारे को। देख ले, कब देखता देख ले, घर वालों को लाके बता ले। नूर भाई बोलते मेरे को, जासूई ने घुसती वहां सब्बल घुसाता हूँ मैं। नाइस। नहीं 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 नहीं, बयाना लिए तक काम नहीं होता बोल। बयाना ले ले क्या, मैं यहाँ खड़े हुआ हूँ अब। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम मियाँ। हाँ भैया तुम्हारे को एक बात ना लूं। कौन सी बात? मेरे ऊपर है नहीं, बच्चिया मरते भैया। थू 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 थू, क्या जमाना आ गया मियाँ, अब तेरे ऊपर भी बच्चिया मरेंगे। सुनो ना भैया, मैं तुम्हारे से कुछ पूछने आया भैया। क्या पूछने आया? मेरे ऊपर नहीं दो 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 बच्चिया मरते, और नहीं मैं किसी एक से शादी करना चाह रहा हूँ भैया। किससे शादी करूँ भैया? जो पहले मरना चाह रही। हाँ जा मार के चल, छिया मरते गए भाई। आ गया क्या बयाना लाया? अरे भाई बयाना तो लेके आया था, लेकिन भाभी को दे दे क्या? अरे भाभी को कहीं को दिया तू, अब फिर मेरे को मंगना पड़ता उनसे। अरे भाई नो नोटों की गड्डी देखती कि छीनिट लिया हाथ में से मेरे। क्या काम? अच्छा मियाँ अदरा मेरी तबीयत कैसी कैसी की हो रही, अलग ही पेट में मरोड़ हो रही, बेचैनी हो रही मेरे को। रात के कोफ्ते हजम नहीं हुए सर का दिख रहा। मैं काम करता हूँ, अंदर जाके आराम करता हूँ, जब तक तू बस्ती में जाके झाड़ू मार क्या। अब बस्ती में जाके सर्वे कर क्या, किसका घर बिकने का है, किसका घर खाली है, क्या है क्या नहीं देख ले क्या। ओके भाई, वाह एक बात बोलना तो भूलिस गया मैं। कौन सी बात? वो अपने बस्ती का शेरू भाई देखो। कौन शेरू भाई?
अरे वो शहबाज खान एंटरटेनमेंट चैनल के मैनेजर है देखो जी, अपने शेरू साहब। हाँ शेरू साहब का जो है घर खाली है, दो कमरे, चूल्हा, दीवान खाना, बाथरूम, वो ये जबरदस्त बड़ा घर है, 20 लाख रुपए में निकाल दे रहे। 20 लाख रुपए में? अरे इतना सस्ता कहीं को तो भी बेच दे रहे हो, 35 लाख में तो मैं दिला उनको वो घर। भाई आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, सुबह में जो पार्टी आई थी उन्हें 20 का देख रही, अपन 25 बोल के ढकल दिए उधर, तो 5 लाख का बर्फ हो जाता ना भाई। चल मेरे साथ। बर्फ बोलते कि आखिरी फुर्ती बताता भाई आदमी, न तो जब से पेट में दर्द हो रहा था कोफ्ते आदम ने, और क्या की बोल के बड़े आ रहे थे आखिरी। सलामुअलैकुम शेरू साहब। वालेकुम सलाम नूर भाई। क्या तो भी मसला है, घर बेच दे रहे बोल के सुना। हाँ भाई कोई पार्टी है तो बोलो, 20 में निकाल दे रहा हूँ। हाँ अरे 20 लाख में गई को तो भी निकाल रहे भाई, 35 में तो आप ही लिए ना, क्या मसला है आखिर। अब आपको क्या बोलो नूर भाई, वो घर लिए जब से बच्चों की तबीयत खराब, अम्मा बुआ की तबीयत खराब, भाई आके लोगों को लेके चले गए, मेरी बीवी 8 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी। अरे कैसा तो भी हुआ है आखिर। वो घर में उतरे जब से भाई, रात होते कि कैसे कैसे की आवाज आना, खुद ब खुद बर्तना गिर जाना, कुर्सियाँ हिलना, अचानक लाइटा बंद हो जाना, घर में अकेले भी रहे तो कोई और भी असर का महसूस हो रहा है नूर भाई। हाँ ये देख के घर में पूरे लोगों की तबीयत खराब हो गए। भाई मेरे को तो ये मंजुलिका का मामला दिख रहा। फिर बस्ती में घर इतना बदनाम हो गया, 7 बजे के बाद कोई घर के सामने से नहीं गुजर रहा, इतने लोगों को बोल के रखा, कोई भी घर खरीदने को तैयारी नहीं है। कुछ भी करके घर बिका दो नूर भाई, दुआ लगती आपको, बाबा के रिटायरमेंट का पैसा मिला तो चलो एक घर लेके सुकून से रहेंगे बोल के कितने की मन्नतों मुरादों से घर खरीदा था। दर्रा कुछ भी करके घर बिका दो भाई, फिर आप ही कुछ भी एक देख के छोटा मोटा दिला दो भाई। चाबियां का है? सीधा बाहर आ जाओ नूर भाई।
क्या है रे, भूत है तू? हाँ भूत हूँ मैं। हाँ जरा सुवा तो निकाल मिया। इलो गुले रे सुवा। मैं सुना भूतों को दर्द नहीं होता कहते, ये सुवा तेरे पिछवाड़े में छुपा के चेक करेंगे तू सहीमुच का भूत है या नहीं है। दूसरे पिछवाड़े में छुपेंगे। भाई भाई भूत नहीं हूँ भाई, मैं लतीफ हूँ भाई, मैं बाहर में बाजू रहता हूँ भाई। हमारे शेरू साहब आइए, आपके भूत का पर्दाफाश हो गया, ये देखिए। अरे इन्हें तो हमारे पड़ोसी है। यही है आपके घर के भूत बाबा। हमारे भूत बाबा अब अपने मुंह से आप पूरी सच्चाई उगलेंगे या नहीं फिर आपको फिर से सुबह छुपाना पड़ता। रखो भाई रखो, मैं बोल दू भाई पूरा बोलता हूँ भाई, इनको थोड़ा डरा के इनका घर कम से कम में खरीदेंगे बोल के करा भाई। थोड़ा? अरे लौंडे तेरे थोड़े की चक्कर में ना कितना परेशान हो गए मालूम? पड़ोसी ने कैसी हरकत करता? अरे मियां ईमान वालों की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उससे उसका पड़ोसी खुश रहना। और तो एक पड़ोसी रह के पड़ोसी को तकलीफ देता, किसी को मजबूर करके उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना और कभी किसी मजलूम पे जुर्म नहीं करना क्योंकि जुर्म करने वालों को अल्लाह फौरन पकड़ लेता। अरे मियां आज तक अपन लोगों ने सबको नसीहत देके छोड़ दी लेकिन इसको नसीहत के साथ साथ सजा भी देंगे अपन। क्या सजा देंगे भाई इसको? एक काम करो, इसके पूरे कपड़े उतार के इसके पूरे जिस्म पे शहद मल के लाल चुमटियों के पुट्ठे में छोड़ दो इसको। जाओ। अरे भाई, भाई। अरे चल। अरे भाई, भाई, चल। और आप लोगों से भी एक अदबन दरखास्त है कि कभी किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा मत उठाइए और कभी किसी मजलूम के ऊपर जुल्म मत करिए क्योंकि जुल्म करने वालों को अल्लाह फौरन पकड़ता। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.